जिस मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, ये बात सुप्रीम कोर्ट में हम सुन रहे थे, वो अचानक 10 दिन में एविडेंस आ गया और मनीष सिसोदिया का बेल रिजेक्ट हो गया। चाहे आप हो, चाहे तृणमूल हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे एनसीपी हो, आरजेडी हो, इंडिया गठबंधन के सभी प्रमुख लोगों को इस प्रकार से झूठे मुकदमे, सबको पॉलिटिकली ख़त्म करने का काम ईडी को दिया है। आपके सरकार में, भारतीय जनता पार्टी में, क्या सब दूध के धुले हुए हैं? महाराष्ट्र के लगभग 12 ऐसे सांसद हैं और विधायक हैं जिनके ऊपर ईडी का ऑलरेडी समन्स और वारंट है अरेस्ट का, वो आप सरकार में शामिल हो गए। अगर केजरीवाल आपके पार्टी में आ गए तो हरिचंद्र बन जाएगा सत्यवादी। हाँ, पूरे महाराष्ट्र की हालत मणिपुर जैसी हो गई और मणिपुर के ऊपर जैसे सरकार का ध्यान नहीं है और मणिपुर जल रहा है, वैसे ही महाराष्ट्र लगता है कोई दिल्ली से ऑपरेट कर रहा है कि जलने दो महाराष्ट्र, खत्म होने दो महाराष्ट्र, ऐसी कोई साजिश दिल्ली में रची गई है। जब से इंडिया गठबंधन बना है तब से लेकर अब तक भारतीय जनता पार्टी का और इंडिया गठबंधन का वैर विरोध सा हो गया है और भारतीय जनता पार्टी पर इंडिया गठबंधन के दल लगातार आरोप लगा रहे कि अब इंडिया गठबंधन बन गया है तो मोदी सरकार का जाना तय है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी घबराए हुए हैं और गृह मंत्री अमित शाह डरे हुए हैं और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके किसी तरह से इंडिया गठबंधन को तोड़ना चाहती है और इसके लिए वह भरपूर कोशिश कर रही है। वहीं आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन में जो दल शामिल है वो पहले से ही कई बार यह आरोप लगाते रही है कि इंडिया गठबंधन को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी कोई भी हद पार कर सकती है और किसी हद तक गिर सकती है। अब आपको बता दें कि 2 नवंबर को अरविंद केजरीवाल को बुलाया गया है ईडी द्वारा समन भेज के शराब घोटाले में पूछताछ के लिए। इससे पहले आम आदमी पार्टी के 2 नेता संजय सिंह और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री रहे मनीष सिसोदिया को पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आपको बता दें कि अब यह धीरे धीरे तार अरविंद केजरीवाल तक पहुंच गई है और भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि मुख्य सूत्रधार अरविंद केजरीवाल ही है। वहीं आपको बता दें कि इंडिया गठबंधन के नेता अरविंद केजरीवाल के समर्थन में खुलकर आते दिखाई दे रहे हैं और उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना के नेता संजय राउत ने खुलकर समर्थन करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाया कि भाजपा ईडी का इस्तेमाल करके इंडिया गठबंधन के जो मुख्य दल है उन सबको जेल भेजना चाहती है। आइए दोस्तों दिखाते हैं क्या कुछ कहा संजय राउत ने। ऐसी है, ये सभी जो उनके विरोधी हैं, उनके नेताओं के ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग या और चार्जेस डालेंगे चुनाव से पहले और बंद कर देंगे। जिस मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई एविडेंस नहीं है, ये बात सुप्रीम कोर्ट में हम सुन रहे थे, वो अचानक 10 दिन में एविडेंस आ गया और मनीष सिसोदिया का बेल रिजेक्ट हो गया। संजय सिंह भी अंदर है, हम लोग भी बेल पर छूटे हैं अभी। पश्चिम बंगाल के एक मंत्री को भी 2 दिन पहले अरेस्ट कर लिया है। देखिए, ये चाहे आप हो, चाहे तृणमूल हो, चाहे शिवसेना हो, चाहे एनसीपी हो, आरजेडी हो, इंडिया गठबंधन के सभी प्रमुख लोगों को इस प्रकार से झूठे मुकदमे, झूठे फायर, फिर सीबीआई, फिर ईडी करके, ये सबको पॉलिटिकली ख़त्म करने का काम ईडी को दिया है, सीबीआई को दिया है। यह हमारे देश में चल रहा है। आपने देखा होगा बाजू में बांग्लादेश में लोग सड़क पर उतर आए हैं, शेख हसीना यही कर रही है और लाखों लोग सड़क पर आए हैं। कल ही बांग्लादेश के चीफ जस्टिस का घर जलाया गया, मंत्रियों के ऊपर हमले हो गए वहाँ के। अब लोगों का जो धीरज होता है, संयम होता है, वो टूट जाता है कभी ना कभी। क्या केजरीवाल को समझ आता है? लेकिन आपके सरकार में, भारतीय जनता पार्टी में, क्या सब दूध के धुले हुए हैं? महाराष्ट्र के लगभग 12 ऐसे सांसद हैं और विधायक हैं जिनके ऊपर ईडी का ऑलरेडी समन्स और वारंट है अरेस्ट का, वो आप सरकार में शामिल हो गए। फिर अजीत पवार हो, हसन मुश्रीफ हो, भावना गवड़ी हो, हाँ प्रताप सरनाइक हो, ये सब तो सरकार में आपने शामिल कर दिया क्योंकि आपके पार्टी में आ गए। अगर केजरीवाल आपके पार्टी में आ गए तो हरिचंद्र बन जाएगा सत्यवादी। हाँ, लेकिन ज़्यादा दिन तक नहीं चलेगा। दूसरी तरफ महाराष्ट्र में हालात जो है सो एक तरह से बेकार चला दिए गए, बीड में कर्फ्यू लगा दिया गया है, सेक्शन 144 इम्पोज कर दिया गया है मराठा रिजर्वेशन को लेकर। पूरे महाराष्ट्र की हालत मणिपुर जैसी हो गई है।
और मणिपुर के ऊपर जैसे सरकार का ध्यान नहीं है और मणिपुर जल रहा है, वैसे ही महाराष्ट्र लगता है कोई दिल्ली से ऑपरेट कर रहा है कि जलने दो महाराष्ट्र, खत्म होने दो महाराष्ट्र को। ऐसी कोई साजिश दिल्ली में रची गई है। इतने लोग सड़क पर उतरे हैं, आग लगी है, मंत्री के ऊपर हमले हो रहे हैं, विधायकों के घर जला रहे हैं, सरकारी अधिकारियों की गाड़ियां फूकी जा रही है, सार्वजनिक जो नुकसान हो रहा है मालमत्ता का, लेकिन ना केंद्र की तरफ से, ना गृहमंत्री की तरफ से, ना प्रधानमंत्री की तरफ से उसके ऊपर कोई टिप्पणी आ रही है। केरल में बॉम्ब सेट हो गया तो तुरंत मोदी जी से लेकर अमित शाह से लेकर पूरी भारतीय जनता पार्टी रोने लगी, छाती पीटने लगी, क्योंकि वहाँ सरकार बीजेपी का नहीं है। लेकिन महाराष्ट्र में सरकार बीजेपी और ये हमारे टूटे फूटे लोग हैं उनके साथ बनी है, तो उनको बचाना है, उनके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करते। मुख्यमंत्री और उनकी सरकार पूरी तरह से फेल्योर है, फिर भी कोई बात नहीं करता है, क्या कर सकते हैं। मनोज जरंगे पाटिल अपील कर रहे हैं कि भाई देखिए मनोज जरंगे, आप ये आंदोलन जो है, अब ये आंदोलन का नियंत्रण जो है अब किसी के हाथ में नहीं रहा है, ना सरकार। अब मनोज जरंगे पाटिल बेचारे बैठे हैं वहाँ, पानी भी नहीं पी रहे हैं, और मराठा समाज के लोग सड़क पर उतरे हैं, उनके पास मैसेज भी नहीं जा रहा है कि जरंगे पाटिल क्या बोल रहा है और क्या कहता है। और आखिरी सवाल सर, कि उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि इंडिया ब्लॉक में सब चीज़ ठीक ठाक नहीं है, खास करके जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं उसमें तालमेल जो नहीं हुआ, बात ऐसी है, मैं ये बात स्ट्रांग नहीं है। देखिए इंडिया गठबंधन बनने के बाद तुरंत ये चुनाव आया है, 2 महीने में आपको पता होगा, तुरंत चुनाव आया, हम सब तुरंत चुनाव को गए। गठबंधन बना है खास करके 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए, ये सही है, लेकिन उस वक्त वो भी तय हुआ था अगर राज्य में विधानसभा या और कोई चुनाव आता है तो लोकल लेवल पर उस बारे में एक दूसरे से बात करके सीट शेयरिंग करना चाहिए। उसके ऊपर जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है नेशनल लेवल पे वो काम नहीं करेगी, वो स्टेट लेवल पे काम होना चाहिए। शायद मध्य प्रदेश या कोई राज्य में ऐसी बात हो गई है, लेकिन आगे हम ध्यान देंगे। तो देखा दोस्तों आपने, ये थे उद्धव गुट वाली शिवसेना के नेता संजय राउत, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह तक पर आरोप लगा दिया कि केरल में अगर कुछ भी होता है तो अमित शाह भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी, और भी न जाने कितने भारतीय जनता पार्टी के नेता सबके सब ट्वीट पोस्ट करने लग जाते हैं। लेकिन मणिपुर का क्या हाल हुआ है पिछले कई महीनों से, और अब महाराष्ट्र का क्या हाल हो रहा है, उन पर उनका मुंह नहीं खुलता है। ये आरोप संजय राउत के अलावा और भी बहुत सारे नेता लगा चुके हैं, किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी के नेता, अन्य राज्यों में अगर किसी और की सरकार होती है तो हमलावर हो जाते हैं, और पूछते कि आखिरकार इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे मुख्यमंत्री, क्यों नहीं मंत्री कुछ भी कर रहे हैं, चुप क्यों बैठी है सरकार। लेकिन जहाँ पर भाजपा की सरकार होती है वहाँ पर दंगे होते हैं, वहाँ पर आगजनी होती है, वहाँ पर ऐसी बातें सामने आती है तो भाजपा पूरी चुप रहती है, और गृह मंत्री अमित शाह या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक उन राज्यों की सुध नहीं लेते, उन पर कुछ बोलते तक नहीं है। यह आरोप संजय राउत ने लगाया है, और साथ में संजय राउत ने यह भी कहा कि अरविंद केजरीवाल अगर कल ही भारतीय जनता पार्टी में चले जाए तो वो दूध के दूल्हे हो जाएंगे, जैसे हमारी पार्टियों से नेता टूट टूट कर भाजपा में गई है। पहले ईडी और सीबीआई उन पर कार्रवाइयां कर रही थी, लेकिन वो पार्टी में शामिल हो गए भाजपा में तो सरकार में शामिल हो गए, और यही कारण है कि इंडिया गठबंधन को तोड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी साजिश रच रही है। संजय राउत ने तो ये तक कहा कि देख लीजिएगा आप कि किस तरह से मणिपुर में और जो महाराष्ट्र में हिंसा हो रही है, ऐसे लग रहा कि इसको दिल्ली में बैठे नेता तय कर रहे हैं और साजिश रच रहे हैं महाराष्ट्र के खिलाफ। दोस्तों इस पर आप क्या कहते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। जो शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है, क्या वह सच है या फिर भारतीय जनता पार्टी कुछ और ही कर रही है। धन्यवाद दोस्तों, देखते रहिए सच की आवाज़।